हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे, सेफ होंगे, पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात रखना चाहूँगा, वो ये है कि दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि मैं वीडियो को प्रॉपर इंग्लिश में बनाऊँ। दोस्तों, ये पॉसिबल तो है, पर अगर हम इसका बेसिक देखें तो हमारे साथ ऐसे कई भाई बहन जुड़े हुए हैं जो उनका मीडियम हिंदी में भी है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मैं अपने लोकल लैंग्वेज में ही अपने वीडियोस को तैयार करूंगा कि उनको भी हेल्प मिल सके और वो भी इसको प्रॉपर समझ सकें, कहीं उनको डाउट पैदा ना हो, क्योंकि लैंग्वेज कुछ लोगों को समझ में आती है अच्छे से और हमारा जो लॉ है ये बहुत वाइड है, इसको समझने के लिए हमें लोकल लैंग्वेज में ही, प्रॉपर इजी लैंग्वेज में ही समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम चलते हैं अपने केस की ओर। आज का जो हमारा केस है, जुगल किशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1972, सुप्रीम कोर्ट 2522। दोस्तों, इसका रेफरेंस के बाद अब आता है हमारा सब्जेक्ट। दोस्तों, इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि इसमें हमारे प्रोबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत सेक्शन 6 की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा 18 साल से ज्यादा और 21 साल से कम है तो इसको, उस बंदे को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, वो क्लेम कर सकता है अपनी एज का बेनिफिट लेते हुए, ये कहते हुए कि हाँ मेरी एज कम है, मैं अभी प्रॉपर तरीके से जो हूँ 21 साल के ऊपर का नहीं हूँ, तो मुझे इस सेक्शन का हमारे लॉ के तहत, लॉ के हेल्प से मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। अब बेनिफिट क्या है? अगर उसने ऐसा कोई जुर्म किया है जिसके तहत उसे इम्प्रिजनमेंट मिलती है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा, उसे सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। और अगर इम्प्रिजनमेंट कुछ टाइम के लिए दिया हुआ है तो उसमें भी उसे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं इसके फैक्ट्स की ओर कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। दोस्तों, इसमें एक शॉर्टकट कहानी है, पहले समझाता हूँ फिर मैं आपको केस के तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों, इसमें ये हुआ कि दो पार्टियां होती हैं, अपीलेंट होता है जुगल किशोर प्रसाद, वो और उसके साथ एक बंदा होता है रघु, वो हम मधुसरन के पास जाते हैं जिसका फील्ड होता है, फील्ड दो होते हैं और वो कह रहा होता है अपीलेंट जुगल किशोर प्रसाद की जो बी बना उसमें कि भाई हमें समझ में आए कि ये हमारा जो खेत है वो कितना है। दोस्तों, वो उस चीज को बात करने गया और वो वहां पे बात यहाँ पे बिगड़ गई। अब चलते हैं प्रॉपर केस के हिसाब से, केस में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, केस में यह दिया हुआ है कि 14/10/1964 की बात है, सुबह 10 बजे की बात है, मधुसरन अपने अपने प्लग में जो वहां पे खेत में जोत रहा था, उस बंदे के साथ, मतलब उस बंदे का नाम था बख्शा महतो और दोस्तों उनका फील्ड का नंबर था 1678 और जो एक्यूज था किशोर जुगल किशोर प्रसाद उसके जो खेत का नंबर था 1790। दोस्तों, हुआ क्या उस दिन कि ये जो बख्शा महतो था वो खेत जोत रहा था और उस टाइम पे जुगल किशोर प्रसाद जो अपीलेंट है हमारे, वो और रघु वहां पे पहुंचते हैं, उनके पास वो बात करते हैं साधुसरन से, मधुसरन से, और वहां बात करते करने के बाद वो जाते हैं, तो ये सारी जो इंसिडेंट होता है अपने घर जाके मधुसरन अपने भाई को बताता है सदोसरन से। वहाँ के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके ही गांव के, उनके आस पड़ोस के लोग, और उन्होंने वो आगे बढ़ते हैं, बांध के पास पहुँचते हैं, निकलने के बाद जो बैरेज होता है वहां पहुंचते हैं, उस बैरेज तक पहुंचते ही है कि वहां से जुगल किशोर प्रसाद, रघु, साथ में 30 लोग और आ जाते हैं जिनके पास वेपन्स होते हैं, डेडली वेपन्स होते हैं, गन होती है, घरासा होता है और भी नोकीले ऐसे टूल्स होते हैं जिससे उनका जो इंटेंशन था कि आज तो उड़ाई डालना है। तो इसके तहत हीरा लाल बंदा था, हीरा लाल ने सदोसरन को पकड़ लिया और सदोसरन के फायर कर दिया तो उसके सिर में लग गई। उसके बाद उसके साथ जो कुछ कंपेनियंस थे जो 30 लोगों में से थे, उन्होंने सदोसरन को फिर अटैक किया और साथ में जो उनके कंपेनियंस थे जो सदोसरन, मधुसरन और उनके आस पड़ोस के लोग थे, उन पे भी हमला किया जिसकी वजह से इंजरी वहां पे क्रिएट हो गई और घरासा जो था वो एक
विलेंट जो थे उनके उनने चलाया था, जिसके कारण इंजरी वहां पे लोगों क्रिएट हुई। और फिर ये जो पूरी इंजरी होने के बाद वहां से ये पहुंचते हैं जैनाबाद हॉस्पिटल। दोस्तों वहां पे डॉक्टर होते हैं, वो इंटीमेशन देते हैं पुलिस इंस्पेक्टर को, जो कि वो वहां से आते हैं। उस दौरान वो वहां पे रिपोर्ट लिखवाई जाती है, लॉन्च कराई जाती है, और काउंटर एफआईआर के तौर पे जगत किशोर प्रसाद और साथ के लोगों ने एफआईआर डाली, जो कि दोस्तों एक विलेज के पास था जिसका नाम है मंदिर, और जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो गया। दोस्तों ये यहाँ पे जो सारी सिचुएशन थी कि मैंने आपको पूरा फैक्ट ऑफ द केस बता दिया। अब चलते हैं ट्रायल कोर्ट के तरफ कि ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ। फिर दोस्तों इस केस दोस्तों केस पहुंचता है ट्रायल कोर्ट, और वहां पे अपीलेंट जगत किशोर प्रसाद और साथ में पांच एक्यूज्ड होते हैं, पांच अपराधी और होते हैं जिनके ऊपर जो ऑफेंसेस लगते हैं वो सेक्शन 147, 148, 307, 323, सेक्शन 307 के साथ सेक्शन 149 भी लगता है। दोस्तों आप सभी इन सेक्शंस को जानते होंगे, फिर मैं बता देता हूँ। बलवा करने का दंड, साथ में इसमें जो उनका अनलॉफुल असेंबली थी जिसमें उनका एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट था कि सामने वाले को उड़ा डालना है, और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 323 इसमें एक ग्रेवियस हर्ट की बात कही गई है। दोस्तों ये सेक्शंस के तौर पे जो चार्जेस लगाए जाते हैं इसके तहत इनको, और साथ में जो अपीलेंट होता है सेक्शन 326 और सेक्शन 149 के तहत इनके जो ऑफेंसेस फ्रेम होते हैं इसके तहत पहले काउंट में इनको 5 साल की सजा मिलती है, जिसमें इनको रिग्रेस इम्प्रिजन मिलता है। और जो सेकंड काउंट होता है दोस्तों इसमें इनको 2 साल की सजा मिलती है, जो कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है। मतलब यहाँ पे टोटल जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो 7 साल का हो जाता है। अब यहाँ पे मुद्दा ये होता है कि इसमें पहले 5 साल की सजा भुगतेंगे, फिर 2 साल की सजा भुगतेंगे, मतलब होगा यहाँ पे टोटल 7 साल। पर यहाँ पे जो अपीलेंट होता है जुगल किशोर प्रसाद वो 21 साल से कम होता है। तो यहाँ पे ये केस चलता है और यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है जिसमें बाकी लोग जो थे उनको भी ये सजा मिलती है, साथ में जो अपीलेंट होता है उसको भी ये सजा यहाँ पे ऑर्डर कर दी जाती है। अब होता ही हुआ है कि ट्रायल कोर्ट से ना खुश होते हुए ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील लगाई, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने इनका जो ऑर्डर था उस चीज को समझते हुए अपना जो डिसीजन पास किया वो था 22/1968 को। उसमें पटना हाई कोर्ट ने 2 लोगों को एक्यूट किया, मतलब उन्हें निर्दोष पाया और छोड़ दिया। और जो अपीलेंट थे जोगल किशोर प्रसाद, जिनकी उम्र ट्रायल कोर्ट के टाइम पे जब वो दोषी पाए गए थे तब 31 साल से कम थे, तो उस दौरान उनकी स्थिति को समझते हुए ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 326, 149, 148 के तहत जो उनको 5 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ था उसको कम करते हुए 2 साल का कर दिया, और बाकी के जो 3 लोग थे उनको एज इट इज जो एडिशनल सेशन जज ने जो पनिशमेंट ऑर्डर किया था वो कंटिन्यू करते हुए हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया। इसको समझते हुए ये केस आगे बढ़ता है और इसकी अपीलेंट की जो अपील थी फिर से लगाई गई, एक एप्लीकेशन दायर की गई कि ये बंदा जो है 21 साल से कम का था और इसे रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो पटना हाई कोर्ट ने और शानदार जवाब दिया कि इसको जिस तरीके के इसने ऑफेंसेस किए, जो अपराध में पाया गया, निर्दोष पाया गया, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, पनिशमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको देखते हुए हमने इसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल की कर दी। तो इस चीज की एप्लीकेशन वहां पे रिजेक्ट करते हुए वो डेट थी 12/12/1968। रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने अपनी बात को और अच्छे से रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, अपील लगाने के लिए यहाँ सर्टिफिकेशन मांगा। तो वहां के जजेस ने इसको फिट समझते हुए कि हाँ ये आगे बढ़ना चाहिए, तो इनको वहां से सर्टिफाइड किया और ये फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी बात रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों चलते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में कि इनकी बातों का, इनके केस का क्या मुद्दा उठाया गया और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको और अच्छे से क्लियर किया, डिस्कस किया। दोस्तों इस बात को रखते हुए ये सेक्शन 6 से क्लेम करते हैं कि इस बंदे को बेनिफिट मिलना चाहिए और इसको कोर्ट को छोड़ देना चाहिए। तो कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल था
कि पटना हाई कोर्ट ने जो इसको 5 साल की सजा 2 साल में कर दी है, सेक्शन 326 और सेक्शन 149 को रीड करते हुए ये कहा कि सेक्शन 326 कहता है वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट विद डेडली वेपन्स, और सेक्शन 149 कहता है कि अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। दोस्तों यहाँ पे तो दोनों बातें पड़ी, इसमें जो 326 है इसमें जो पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर 10 साल और साथ में फाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात कही गई है और साथ में अनलॉफुल असेंबली की बात कही, ये दोनों बहुत मेजर ऑफेंसेस हैं जिसके तहत कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया कि यहाँ पे हम इस बंदे को छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसने यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला एक क्राइम किया है जिसके तहत जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया वो सही दिया हुआ है। और सेक्शन 3 और 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के जो सेक्शन 3 और 4 है इसका यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, बिकॉज सेक्शन 3 और 4 जो है एक नॉमिनल ऑफेंसेस के तौर पर बनाए गए कि अगर किसी बंदे ने ऐसा कोई क्राइम किया है उसमें ये दिखता है कि दोबारा नहीं करेगा और करेगा भी, तो एक सिक्योरिटी और एक गारंटर रखवाया जाए जिसके तहत या एक बॉन्ड बनाया जाए अगर ऐसा कोई हरकत करता ही फिर से इस बंदे को ये पेनल्टी लगेगी या गारंटर के ऊपर ये एक भार होगा कि अगर इसने ऐसी कोई गलती करी तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसा कुछ ना करे। यहाँ पे सेक्शन 4 में ये रखा गया है कि अगर कुछ ऐसी हरकत होती है तो यहाँ पे जिम्मेदारी होगी उसे देखने के लिए एक ऑफिसर भी नियुक्त किया जाता है कि टाइम टाइम पे जाके उस बंदे को नॉलेज ले कि उसने कुछ ऐसा हरकत तो नहीं किया हुआ है। दोस्तों सेक्शन 3 और 4 जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है वो इस आज की पीढ़ी को एक प्रकार से रिलैक्सेशन देता है कि कोई भी बंदा जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उनको कदम उठाने पड़ते हैं और कुछ सोसाइटी हमारी ऐसे होती है कुछ सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि इंसान जुर्म कर बैठता है। तो यहाँ पे इस बात को समझते हुए और समझाते हुए इस केस को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है वो बहुत करेक्ट है, बहुत सही है, और यहाँ पे जो अपील होती है डिसमिस हो जाती है। इट मीन्स ये था कि कोई भी बंदा अगर कोई भी क्राइम कर रहा है तो उसके तहत अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक अगर कोई क्राइम किया हुआ है उसने तो कोर्ट उसे रिलैक्सेशन देगा, सेक्शन 6 यहाँ पे इन्वोक होगा। पर दोस्तों वो कैसे इन्वोक होगा, उसका जो इंप्रिजनमेंट है वो कुछ टाइम के लिए कम कर दिया जाएगा जिसके तहत ये समझ में आता है कि यहाँ पे सेक्शन 6 का उसे बेनिफिट मिला है, पर एक प्रॉपर खत्म कर देना ये कोई बात नहीं होती क्योंकि ये जो ऑफेंस हुआ है यहाँ पे ये कोई उसे सुधार गृह में डालने वाला नहीं था या सिक्योरिटी बॉन्ड भराने वाला नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है कि अगर हम बंदे को शह देंगे तो वो आगे क्या कर बैठे क्या कर जाए वो हमें नहीं पता, तो हमें दूसरी घटना के लिए पहले ही तैयार होना पड़ेगा, पहले ही उसे सुधार गृह में डालना पड़ेगा, ना कि उसे खुला छोड़ देना पड़ेगा कि भाई हम आप दोबारा करो तो फिर हम आप कुछ एक्शन लें। तो इसके पहले जो लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात रखी गई थी उसके तहत इसे इंप्रिजनमेंट दिया गया 2 साल का, वो हाईकोर्ट के तरह से कंटिन्यू किया गया। और दोस्तों यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन, पहला पॉइंट ये कहता है कि जो हमारी सोसाइटी में इस सर्कमस्टेंसेस के कारण ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जो छोटे बच्चे 18 साल से कम हो चाहे 18 साल से ऊपर हो 21 साल से कम, वो अगर ऐसा कोई क्राइम करते हैं जिसके तहत चाहे वो उनको 2 साल की सजा हो या 5 साल की हो चाहे जिंदगी भर का कारावास, उसके तहत प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है कि जो बच्चे हैं उनके माइंड में क्या मेंटेलिटी थी या वो प्रूफ नहीं कर पाए या उनके पास एविडेंसेस नहीं थे जिसके तहत या फिर उनके माइंड में ऐसी क्या मेंटल सिचुएशन क्रिएट हुई जो उनने ऐसा किया है, तो बच्चे ही तो उसके तहत उन्हें जेल में ना डाला जाए, उनको एक मौका दिया जाए जिसके तहत उनके अंदर कुछ चेंजेस आ सके जिसके लिए सुधार गृह बनाए गए। पर यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जिसके तहत ये कोर्ट ध्यान में रखती है कि अगर अपराधी ने अगर अपराध किया हुआ है और उसे हम उन अपराधियों के साथ डाल दें जो ऑलरेडी कुछ बड़े क्राइम करके आए हुए हैं और हम उन्हें सुधारने के एक मौका ना दें तो वो जो अपराधी हैं आगे चल के बड़े अपराधी में कन्वर्ट हो जाए, जो उनकी मानसिकता है कि भाई हमारी सोसाइटी हमको वैसे ही गंदी नजरों से देख रही है और अब तुम जेल भी काट के आ गए तो हमारी क्या कंडीशन है, हम तो
वैसे ही कहलाए जाएंगे जैसे वो बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कोर्ट का मानना है कि हम छोटे एक रिलीफ से रिलैक्सेशन से किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, उसकी बाकी का जो लाइफ का पार्ट है बचा सकते हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए इस हमारी सोसाइटी उस गंदे आदमी को बनने से रोक सके। सेकेंड पॉइंट में दोस्तों ये दिया है कि ये जो हमारा जीवन है इसमें कोई भी बंदा जन्म से अपराधी नहीं होता है, आगे चले कुछ सर्कमस्टेंसेस कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसे कुछ करना पड़ जाता है या वो कर बैठता है। थर्ड पॉइंट में ये दिया हुआ है सेक्शन 6 जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिस बंदे को किसी ऑफेंस के चार्जेस लगने के बाद मिलता है उसे प्रॉपर कम नहीं कर प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं करती, उसे उस एज के हिसाब से कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है जो कि उस सजा को कम करते हुए उसे देती है। जिसके तहत ये समझ आता है कि हमारा कानून जागरूक तो है पर साथ में हमारी सोसाइटी के लिए सोचता भी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। एग्जाम में मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ से आपकी हेल्प कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचे और आप एग्जाम में अच्छे नंबरों के साथ बिना हेडेक के इस कहानी को सुनते हुए अपना लैंडमार्क केस लिख के आए। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।